बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग थंडर फोर्स। सन 1983 में अर्थ पर कॉस्मिक रेस पड़ने की वजह से इंसानों के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा और बहुत सारे ऐसे इंसान थे जो सुपर विलन्स में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वो आम लोगों से ताकतवर हो गए, उन्हें सुपर पावर्स मिली। इन रेस का असर उन्हीं लोगों के दिमाग पर हुआ था जो बुरे लोग थे। बुरे लोगों को ही शक्ति मिली थी और अब ऐसे लोगों को मिस्क्रिएंट्स कहा जाता है, जो आम इंसानों को मारते हैं। लोग अब इनसे बहुत ज्यादा डर चुके हैं, इसीलिए सब ने अपनी जीवन शैली को बहुत सीमित कर दिया है। हर कोई कहीं भी नहीं जा सकता। और ऐसे एक दिन ये एक ट्रेन के ऊपर हमला करते हैं, जिसमें ये कई लोगों को मार देते हैं। और इसी में एमिली नाम की एक बच्ची के माता पिता भी होते हैं। एमिली को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो तय करती है कि आज नहीं तो कल वो इन सब मिस्क्रिएंट्स को, यानी कि सुपर विलन्स को खत्म कर देगी। हालांकि वो एक छोटी बच्ची है, लेकिन अब उसने जिंदगी में हर वो काम करना बंद कर दिया है जो बच्चे करते हैं। ना वो किसी से ज्यादा बात करती है, ना वो खेलती है। वो सिर्फ इसी चीज पर रिसर्च करती है कि कैसे वो मिस्क्रिएंट्स को खत्म कर सकती है। वो दिन रात लगातार यही सोचती रहती है। दरअसल एमिली ये कर सकती है क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो अपनी क्लास में सबसे स्मार्ट होती है, हर टीचर उसे पसंद करते हैं और इस बात से उसके जो क्लासमेट्स होते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है, इसीलिए अधिकतर बच्चे क्लास में उसे बुली करते हैं। और एक दिन क्लास के बाद दिखाया जाता है जहां पर एक लड़का उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, और तभी वहां पर उसी की एक क्लासमेट आती है जिसका नाम लीडिया है, जो एमिली को पसंद करती है। वो उस बच्चे को एक पंच मारती है और एमिली को अपने साथ ले जाती है। दरअसल लीडिया हमेशा एमिली को प्रोटेक्ट करती है। एमिली उसे बताती है कि मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसी रिसर्च करना चाहती हूँ जिससे मैं आम इंसानों को सुपर हीरोज बना दूं, ताकि वो मिस्क्रिएंट्स को खत्म कर दे और हमारी दुनिया पहले जैसी हो जाए। मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। और अब जहाँ एक तरफ वो अपने काम में, अपने रिसर्च में पूरा फोकस करती है, वहीं लीडिया हमेशा उसकी रक्षा करती है। वहीं एमिली का अब अगले दिन एग्जाम होता और रात भर पढ़ रही होती है, तभी उसके पास लीडिया आती है। लीडिया उसे कहती है कि अब तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, मैं तुम्हें टाइम पर एग्जाम के लिए उठा दूंगी। पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि लीडिया भी सो रही है और वो एग्जाम के लिए लेट हो चुकी है। इस बात पर एमिली को बहुत गुस्सा आता है। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और लीडिया के पास उसका जो फ्रेंडशिप बैंड होता है वो उसे वहीं पर फेंक कर चली जाती है। और अब कई साल बीत चुके हैं, लीडिया और एमिली कभी आपस में नहीं मिली, इन दोनों ने कभी बातें नहीं की। लीडिया जो कि अब एक ट्रक ड्राइवर है, और जब एक दिन वो काम से वापस जा रही होती है तभी वो देखती है कि वहां पर कुछ मिस्क्रिएंट्स इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिसमें एक लड़की भी होती है जिसका नाम लेजर है, और लेजर उसके ऊपर भी अपनी बीम से हमला करती है, लेकिन लीडिया बच जाती है। मिस्क्रिएंट्स वहां से चले जाते हैं और अब लीडिया को एमिली का फोन नंबर मिलता है, वो उसे मैसेज करती है। बहुत सालों से इन दोनों ने बात नहीं की। दरअसल कल इनके स्कूल की रीयूनियन है जहां पर इनके क्लासमेट सभी एक बार दोबारा से मिलेंगे, इसीलिए एमिली को उसने मैसेज किया होता है। एमिली कहती है मैं कोशिश करूंगी लेकिन कल मुझे कहीं जाना है। अगले दिन रीयूनियन पर एमिली नहीं आ पाती और यहां पर लीडिया को पता चलता है कि एमिली अब एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन चुकी है। लीडिया को लगता है कि आज भी एमिली पार्टीज में आने से दूसरों को फेस करने में डरती है, इसीलिए वो पार्टी में नहीं आई। वो उसके ऑफिस चली जाती है, जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऑफिस होता है। और अब एमिली उसके सामने आती है। एमिली उसे देखकर खुश है। वो कहती है कि मैं आना चाहती थी लेकिन काम में बिजी होने की वजह से मैं नहीं आ पाई। दरअसल लीडिया यहाँ पर चीजों को छेड़ रही होती है। एमिली कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं छेड़ना, ये सब बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन लीडिया उसकी बात नहीं मानती, वो कुछ बटन्स को ऑन कर देती है। इसके बाद वो वहां पर रखे हुए एक बेड के ऊपर लेट जाती है और अब उसके हाथ अपने आप ही लॉक हो जाते हैं और सीरम उसके चीक्स के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं। अभी यहाँ पर एमिली और उसके साथी आ जाते हैं और ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। एमिली कहती है मैंने कई सालों में इस सीरम को बनाया था ताकि मैं सुपर हीरोज को बना सकूं, लेकिन अब तुमने मेरे पूरे मिशन को, पूरे एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कि जिस सीरम से वो एक ट्रेंड सोल्जर को सुपर हीरो बनाना चाहती थी ताकि वो मिस्क्रिएंट्स को खत्म कर सके, अब वो लीडिया की बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो चुका है, यानी कि पावर्स उसके अंदर है। इस बात से एमिली बहुत हताश हो जाती है और तब उसे ख्याल आता है कि पावर तो अब भी किसी न किसी इंसान के अंदर ही है, उसे लीडिया को ट्रेन करना होगा। लीडिया की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, उसे बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवाई जाती है क्योंकि अब उसके अंदर पावर्स हैं, इसीलिए वो ट्रेनिंग आराम से कर लेती है। यहाँ एमिली ने इतने सालों में एक्सपेरिमेंट्स करके एक ऐसी पिल बनाई होती है जिसे खाने के बाद वो खुद गायब हो जाती है, यानी कि अब उसके अंदर भी शक्तियां हैं।
अभी ने एक दिन पता चलता है कि शहर में मिस्क्रिएंट्स ने एक शॉप के ऊपर हमला किया है, इसीलिए दोनों के दोनों अपनी खास सुपर हीरोज की ड्रेस पहनकर एक खास गाड़ी में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर मिस्क्रिएंट्स होते हैं। ये दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सभी मिस्क्रिएंट्स को हरा देते हैं। यहाँ पर एक अजीब हाथों वाला मिस्क्रिएंट होता है जिसका नाम जेरी है, और जब लीडिया उसे देखती है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। ये सब कुछ एमली देख लेती है और उसे होश में लाती है। अब सीसीटीवी कैमरे में सारी की सारी फुटेज पूरी तरह से रिकॉर्ड हो चुकी है, जिससे लोगों को ये पता चल जाता है कि दो ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर सुपर पावर्स है, तो मिस्क्रिएंट्स को हराने में सक्षम है, इसीलिए अब लोगों को उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वहीं एमली और लीडिया अपनी टीम का नाम रखते हैं थंडर फोर्स। लोग इनसे अब बहुत खुश हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी भी है जो इनसे खुश नहीं है। दरअसल ये मिस्क्रिएंट्स का लीडर है और यही उन्हें इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए, उन्हें लूटने के लिए कहता है, ताकि इसके पास एक ऐसा मुद्दा हो जिससे इंसानों को ये कह सके कि ये मिस्क्रिएंट से उन्हें बचाएगा, जिसके बदले इंसान इसे वोट देंगे और ये पावर में आ जाएगा। लेकिन अब एमली और लीडिया के आने के बाद उसका ये प्लान पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लोगों को अब उसके सहारे की, उसकी बातों की कोई भी जरूरत नहीं है। उसका गुस्सा इस बात से बहुत ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि अब वो इलेक्शन हार चुका है, और वो अपनी खास मिस्क्रिएंट्स को, जिसका नाम लेजर है, जिसने एक बार लीडिया के ऊपर हमला भी किया था, लीडिया और एमली के पास जाता है और इन दोनों से कहता है कि तुम भी मेरी टीम में शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये दोनों उसकी बातें नहीं मानती, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो लेजर से अपने एक आदमी को मारने के लिए कहता है। दरअसल ये उसका अपना ही गुस्सा शांत करने का एक तरीका होता है, और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें वो नए मेयर को, जिन्होंने इसे हराया है, उसे अपनी एक पार्टी में इनवाइट करता है, क्योंकि इलेक्शन हारने के बाद भी इसने अपनी हार नहीं मानी और ये मेयर को मरवा कर एक बार फिर से इलेक्शन करवाना चाहता है ताकि खुद से मेयर बन जाए। जेरी वो मिस्क्रिएंट्स जिसके अजीब से हाथ है, जो लीडिया को पसंद करता है, लीडिया भी उसे पसंद करती है। ये दोनों के दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर जेरी लीडिया को पूरा का पूरा प्लान बता देता है कि किस तरह से उनका लीडर नए मेयर को मरवाना चाहता है ताकि वो खुद मेयर बन जाए। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद लीडिया एमली के पास जाती है और उसे बताती है कि कल जिस पार्टी में मेयर जाने वाले हैं वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होगा, जिससे मेयर के साथ और भी कई मासूम लोग मारे जाएंगे। अगले दिन एमली अपनी बेटी को यहां पर अपनी मैनेजर के पास छोड़कर उस पार्टी में लोगों को और मेयर को बचाने के लिए चली जाती हैं। वहीं एमली की बेटी को पता चलता है कि उसकी मॉम की जो मैनेजर है, जो उसके साथ है, वो इंसान नहीं है बल्कि अब वो भी एक मिस्क्रिएंट है, और वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उस लीडर को, जो कि मिस्क्रिएंट्स को लीड करता है, उसे दे चुकी है कि यहाँ पर एमली और लीडिया आ रही हैं। एमली की बेटी मैनेजर को बेहोश कर देती है, लेकिन अब मिस्क्रिएंट के लीडर को पता है कि यहाँ पर वो दोनों आ चुकी हैं, इसीलिए वो उन तक पहुंच जाता है। इसके बाद मिस्क्रिएंट्स के लीडर और लीडिया के बीच में फाइट होती है। इन दोनों के अंदर बहुत पावर्स है, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर ही लगातार हमला कर रहे होते हैं। वहीं एमली और लेजर के बीच में फाइट हो रही होती है, लेकिन लेजर एमली से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और एक पल ऐसा आता है जब वो एमली को मारने वाली होती है। लेकिन इससे पहले कि वो एमली को मारती, यहाँ पर सुपरसोनिक स्पीड से कोई आता है और स्पीड से अपने साथ ले जाता है, और एमली देखती है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी है। दरअसल उसने अपनी बॉडी के भी अंदर सुपर सोल्जर का सीरम इंजेक्ट कर दिया होता है, जो उसकी मॉम ने अब और भी बना दिया था, और अब उसके अंदर भी सुपर पावर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ लीडर को दिखाया जाता है जो लीडिया को मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता, वहां पर जेरी आ जाता है, जो अपने अजीब हाथों से उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो लीडिया से प्यार करता है। गुस्से में लीडर उसके दोनों हाथों को खार देता है, और तभी पीछे से लीडिया आती है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा पिलर होता है, और वो उस पिलर से उसे हिट करके बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है। अब यहाँ पर लीडर ने जो बॉम्ब लगाया होता है वो भी ब्लास्ट होने वाला होता है, जिससे मेयर के साथ यहाँ पर हर एक इंसान मारा जाएगा। ये उसे डिसमेंटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि उसे कैसे रोका जा सकता है। इसीलिए लीडिया उस बॉम्ब वाले बॉक्स को उठाकर विंडो के पास जाती है और बॉक्स को लेकर नीचे कूद जाती है, और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ऊपर एमली और उसकी बेटी को दिखाया जाता है, जो ये देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं कि लीडिया अब इस दुनिया में नहीं रही। ये दोनों के दोनों नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर लीडिया पूरी तरह से सही सलामत है, उसकी जान नहीं गई, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो सीरम इंजेक्ट किया गया था वो बहुत ही पावरफुल होता है। उसकी स्किन, उसकी बॉडी अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लीडिया की जान बच जाती है, जिससे एमली और उसकी बेटी बहुत खुश होती हैं।
और अब जेरी और लीडिया जो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं अब एक दूसरे के साथ हैं। साथ ही जेरी के हाथ जो लीडर ने उखाड़ दिए थे अब वो भी वापस आ रहे होते हैं और इस तरह से इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।